स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है और जो बॉडी होती है उसकी वर्जिश भी होती है, फिजिकल एक्सरसाइज भी होता है। टू प्ले इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। तो खेलना ये क्या है, जो इंसान होता है, इंसान में क्या होता है बचपन से एक नेचर से, बाय नेचर गॉड गिफ्टेड एक इंस्टिंक्ट होता है, अंदर से होता है, बॉर्न बाय बर्थ होता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। हेंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट बिगिंस विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। तो जब से इस दुनिया में इंसान है तो तब से स्पोर्ट्स क्या हो गया, ये इसकी स्टोरी बिगन होती है, हिस्ट्री स्टार्ट होती है। वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो जब से इंसान एक साथ रहने लगा है, एक साथ रहने लगा है, सिविलाइजेशन जब से शुरू हुआ है, तब से क्या है, वेरियस गेम्स, अलग अलग गेम्स क्या है, वजूद में आए। हंटिंग वॉज इंडीड अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर द एंशियंट पीपल, बट इट वॉज ऑल्सो लुक्ड अपॉन एज अ गेम। तो जो हंटिंग है, जो शिकार करते हैं, ये भी क्या था, एक जरिया था पुराने लोगों को अपना खाना पाने के लिए, फूड ऑब्टेन करने के लिए जरिया था। लेकिन ये एक गेम की तरह, खेल की तरह भी देखा जाता था, और एंड एंटरटेनमेंट, और खेल की तरह भी देखा जाता था, और एक एक टाइप का एक एंटरटेनमेंट भी था। तो शिकार कैसे था, खाने के लिए भी किया जाता था, और एक गेम और एंटरटेनमेंट के लिए भी क्या होता था, शिकार किया जाता था। तो बड़े बड़े जो राजा महाराज जो लोग है, ये शिकार पे जाते थे, क्यों, उनके पास खाना वगैरह ज्यादा था, कम था, ऐसे कुछ है क्या, नहीं, वो सिर्फ किसके लिए जाते थे, एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे। द एंशंट इंडियन लिटरेचर एंड एपिक्स मेंशन वेरियस गेम्स सच एज गेम्स ऑफ डाइस, रेसलिंग, हॉर्स एंड चैरिट रेसेस एंड चेस। अगर हम इंडिया का, इंडियन का एंशंट लिटरेचर, पुराना इतिहास अगर हम पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ेंगे, और एपिक्स अगर पढ़ेंगे, एपिक्स जैसे रामायण महाभारत पढ़ेंगे, तो उसमें अलग अलग गेम्स का जिक्र है, सच एज गेम्स ऑफ डाइस, जो डाइस खेलते हैं, जो शकुनी मामा जो ये फिर से पास से फेंकते हैं उसको कहते हैं डाइस, रेसलिंग कुश्ती खेलना, हॉर्स राइडिंग एंड चैरिट रेसेस, तो रेसेस वगैरह होते थे, और चेस, शतरंज खेलना, ये भी हमको पुराने इंडियन लिटरेचर में मिलता है। एक इंफॉर्मेशन दी है, डू यू नो स्पोर्ट्स एंड ग्रीक्स इज अ वेरी एंशियंट इक्वेशन। तो खेल और ये जो ग्रीक्स है, ग्रीक एक नेशन है, ग्रीस, तो इनके क्या एक एंशियंट इक्वेशन, तो एक पुराना इनके बीच में एक रिलेशन है। The Greeks were the first to standardize the rules of sports and organize them systematically. तो जो ये ग्रीक्स है, जो ग्रीस के पीपल है, लोग है, ये सबसे पहले थे जिन्होंने स्पोर्ट्स के कायदे कानून बनाए और उसको स्टैंडर्डाइज किया, एंड ऑर्गेनाइज देम सिस्टमेटिकली, और उसको क्या किया, सिस्टमेटिकली क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, किसने किया, ग्रीक्स ने, ग्रीक्स के लोगों ने। दे स्टार्टेड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑफ डिस्कस थ्रो। तो उन्होंने क्या क्या स्पोर्ट्स शुरू किया, देखो, कॉम्पिटिशन ऑफ डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो मतलब एक प्लेट जैसा होता है वजनदार, उसको दूर तक फेंकना होता है, डिस्कस करो, हॉर्स एंड चैरिट रेसेस, तो हॉर्स और चैरिट रेसेस होता था, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग भी होता था, और एक्सेट्रा। द एंशियंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज्ड टू बी हेल्ड एट ओलंपिया, द एंशियंट ग्रीक सिटी। तो जो एंशियंट इवेंट ऑफ ओलंपिक, जो पुराना जो ओलंपिक कॉम्पिटिशन है, ये कहाँ हेल्ड होता था, ओलंपिया में, इसके लिए उसको ओलंपिक भी कहा जाता है। ओलंपिया एक सिटी का, शहर का नाम है, द एंशियंट ग्रीक सिटी, और ये ग्रीक सिटी है ओलंपिया में, उधर क्या करते थे, गेम कॉम्पिटिशन हेल्ड करते थे, ऑर्गेनाइज किया जाता था। टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स एंड बी अ विनर इज सपोज टू बी अ ग्रेट हॉनर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। जो जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, तो उनको इसकी इंपॉर्टेंस मालूम है कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना और वहां गोल्ड मेडल या फिर विनर होना, सिल्वर मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल लेना, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, इट इज अ ग्रेट हॉनर। अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स क्या है। टू प्ले गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो गेम्स खेलना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एनेबल्स अस टू ओवरकम सफरिंग एंड वरीज। तो ये हमारे क्या करते हैं, जो परेशानी, तकलीफ वगैरह होती है, टेंशन वगैरह होता है, ये हम क्या ओवरकम करते हैं। तो इंसान जब गेम्स वगैरह खेलता है, तो वो परेशानी, तकलीफ को उस वक्त तक क्या हो जाता है, भूल जाता है। गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड। तो एक ही काम अगर हम करते रहेंगे तो बोर हो जाता है इंसान, जब गेम्स खेलता है तो वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसमें वो इन्वॉल्व होता है पूरी तरह और उसको मजा आने लगता है, और इसके वजह से इसका माइंड भी क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। गेम्स विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल। तो जो ऐसे भी गेम्स है बहुत सारे जिसमें पूरी लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज लगते हैं, जैसे स्विमिंग है, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा लगते हैं, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी, शरीर का पूरा यूज करना पड़ता है,
तो ये एक गुड एक्सरसाइज भी होता है। गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनिशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, और गेम्स क्या करता है, एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग बॉडी तैयार करने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग करेज, करेज मतलब जो धाड़स धाड़सी होने के लिए मदद करता है डेवलपिंग। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब एक निष्ठता, डिटर्मिनेशन अगर हमने कुछ काम लिया तो क्या करते हैं कि वो हम काम को पूरा करेंगे, ये डेवलप करता है एक। और स्पोर्ट्समैनशिप क्या करता है, वो जो स्पोर्ट्स खेलने वाले में डेवलप करता है। गेम्स नीडिंग कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। तो ऐसे भी गेम्स होते हैं जिसमें एक आदमी नहीं खेलता, जैसे क्रिकेट है, तो वो क्रिकेट में कैसा लगता है, पूरा टीम वर्क लगता है, बॉलर है, विकेट कीपर है, फील्डर है। अगर समझो बॉलर अच्छी बॉल फेंक रहा है और अगर कैच वगैरह गया, अगर किसी ने कैच छोड़ दिया, एक ग्रुप वर्क है, छोड़ दिया तो भी उसका कुछ, जो उसने मेहनत की उसका कुछ रंग नहीं लाता। तो गेम्स में क्या होता है, जो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन जिसमें लगता है, जैसे कि क्रिकेट है, इसमें क्या होता है सेंस ऑफ कोऑपरेशन, अलग अलग प्लेयर्स के बीच में एक पार्टिसिपेशन होता है, कोऑपरेशन होता है, एंड टीम स्पिरिट, तो उनके इसमें क्या हो जाता है, वो एकजुट हो जाते हैं टीम स्पिरिट, क्योंकि उनको जीतना है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप, और ये क्या करता है, लीडरशिप डेवलप करने में मदद भी करता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर्ट। स्पोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्पोर्ट्स कितने हैं, दो टाइप के, एक इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखो, तो दो टाइप के स्पोर्ट होते हैं, एक इंडोर गेम और एक आउटडोर गेम। इंडोर गेम मतलब जो अंदर खेले जाते हैं, बंद दरवाजे में, बंद रूम में भी खेले जाते हैं। आउटडोर गेम मतलब जिसको ओपन में खेला जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन अ क्लोज इन्वायरमेंट एंड अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस। जैसे चेस है, एक इंडोर गेम है, तो ये प्लेड विद इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट। जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, खुले वातावरण में, एटमोसफियर में नहीं खेला जाता, तो ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट रूम में, बंद कमरे में ऐसे खेला जाता है। एंड अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस, तो ये एक जगह बैठ के खेल सकते हैं, इसके लिए उठना भागना घूमना नहीं पड़ता। दे इंक्लूड चेस, चेस है, कार्ड गेम्स है, गेम्स प्लेड विद गेम्समैन एंड डाइस, डाइस है, कैरम, कैरम बोर्ड बहुत लोग खेलते हैं। तो ये सब क्या है, क्या है, इंडोर गेम्स है। द गेम नोन बाई वेरियस नेम्स एज कच, कच कबड्डी और चौका बारा और एज एन इंडियन लूडो इज वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस। इसको महाराष्ट्र में छक्का बच्ची भी ऐसे बोलते हैं, ये तो कच कबड्डी और चौका बारा और एज एन इंडियन लूडो, इंग्लिश में सुबह, तो इंडियन लूडो इज वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस। द गेम नोन एज शुगर गोट प्लेड विद अ बंच ऑफ सीड्स और स्टोन्स इज यूजली प्लेड बाय गर्ल्स, तो लड़कियां भी ये खेलते हैं। सागर गोट, ये शुगर गोट नहीं, सागर गोट है, प्लेड विथ अ बंच ऑफ सीड्स, तो अलग अलग बंच ऑफ सीड्स जमा करते हैं, पत्थर जमा करते हैं और वो लड़कियां खेलते हैं, उसको सागर गोट कहते हैं। देर इज अनदर गेम नोन एज भटुकली, अलग दूसरा भी गेम है, उसका नाम भटुकली है, प्लेइंग हाउस विच इज यूजली प्लेड बाय गर्ल्स, और ये गेम ज्यादातर क्या करते हैं, लड़कियां अंदर इंडोर में बैठकर खेलती है। हाउएवर ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट, लेकिन इसमें सारे मेंबर्स फैमिली के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पेशली इन द मॉक वेडिंग ऑफ अ गर्ल, गर्ल डॉल एंड अ बॉय डॉल। तो एक मॉक वेडिंग होता है ऑफ अ गर्ल डॉल एंड बॉय डॉल, ये कठपुतली का खेल जो होता है, ये भी क्या होता है, एक इंडोर गेम है, तो इसमें भी पूरे फैमिली क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इज एन ओकेजन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन, तो ये क्या होता है, फैमिली सेलिब्रेशन का एक क्या ओकेजन होता है, अलग अलग विशिष्ट दिनों में भी, जैसे शादी के मौके पर, नहीं तो सब जो मेहमान जब जमा होते हैं, तो ऐसे गेम्स ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेलते हैं, अंताक्षरी भी वगैरह भी खेलते हैं, आजकल के जमाने में अंताक्षरी खेलते हैं, तो ये भी क्या है, इंडोर गेम ही है, घर में बैठकर खेलते हैं। अब देखेंगे आउटडोर गेम्स। द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज इंटू टू टाइप्स, तो आउटडोर गेम्स को क्या कर सकते हैं, हम दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है इंडियन स्पोर्ट्स और दूसरा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। तो याद रखो आउटडोर गेम्स में हम कैटेगरी दो कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है इंडियन स्पोर्ट्स और एक है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। तो इंडियन गेम्स इंक्लूड लंगड़ी, तो इंडियन गेम्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, लंगड़ी है, कबड्डी है, अट्टपट्टा, खो खो एक्सेट्रा, ये क्या है, इंडियन गेम्स में इंक्लूडेड है। तो डू यू नो, एक इंफॉर्मेशन दी है, डेली शेड्यूल ऑफ लक्ष्मी बाई द क्वीन ऑफ झांसी, तो जो रानी की लक्ष्मी बाई जो झांसी है, उनके बारे में एक शेड्यूल दिया। शेड्यूल मतलब क्या, वो किस वक्त पर क्या करती थी, उनका डेली शेड्यूल क्या था, हर रोज क्या करती थी। हर हाइनेस वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, तो रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एक्सरसाइज की बहुत शौकीन थी। शी यूज टू वेक अप इन द अर्ली आवर्स,
तो ये सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। स्पेंड एन आवर टू घटिकाज एक्सरसाइज ऑन द मलखम। मलखम क्या होता है, खाम जैसा होता है, एक पोल के जैसा, उस पर एक्सरसाइज करते हैं, उसको कहते हैं मलखम। एंड देन शी हैड रॉन्ग्स ऑफ हॉर्स राइड। और रानी लक्ष्मीबाई क्या करती थी, हॉर्स राइडिंग भी करती थी। एंड अ लॉन्ग एलिफेंट राइड, और एलिफेंट राइड भी करती थी। 2 आवर्स, फिर बाद में और 2 आवर्स, 4 घटिकास। आफ्टर सनराइज शी वुड ईट खुराक। तो खुराक खाती थी, खुराक किसको कहते हैं, अ डाइट मेंट फॉर एनहांसिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। हमको मालूम है खुराक क्या है, खुराक मतलब जो खाना, एक डाइट है मेंट फॉर एनहांसिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। एंड ड्रिंक मिल्क, और वो दूध पिया करती थी। देयर आफ्टर शी हैड बाथ, तो उसके बाद में वो आंग नहाया करती थी। तो ये डेली शेड्यूल था एक्सरसाइज का, किसका, रानी लक्ष्मी बाई का। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश के साथ क्या किया थी, जंग भी लड़ी थी। ये करेज उनको कहाँ से आया, ये गेम से ही आया। तो इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, तो इंडियन गेम्स कैसे है, मार्बल्स है, गोटी जो खेलते हैं, लगोरी, विट्टी डांडू और गिल्ली डांडा, भिंगरी, भोरे जो भोरे खेलते हैं, फुगड़ी है, जिम्मा आर क्वाइट पॉपुलर। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बॉयज, ये सब लोग क्या करते हैं, खेलते हैं और इसका मजा उठाते हैं। द इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूड बैडमिंटन। तो देखो इंटरनेशनल गेम्स कैसे, बैडमिंटन है, अल्टरनेटिव स्पेल्ड एज बैडमिंटन, टेबल टेनिस है, हॉकी है, ये सब आउटडोर गेम्स है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, गोल्फ है, पोलो है। तो हॉकी अपने देश का क्या है, नेशनल क्रिकेट है, तो ये इंडियन गेम भी है हॉकी। अमंग आउटडोर स्पोर्ट्स रनिंग रेसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आउटडोर स्पोर्ट में देखेंगे तो रनिंग रेस जो लगाते हैं, रनिंग रेस ये क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, पॉपुलर है। स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस आर यूजुअली अरेंज्ड फॉर 100 एंड 200 मीटर्स। देयर आर ऑल्सो मिडिल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। तो ऐसे भी रेसेस होते हैं जिसमें छोटा डिस्टेंस होता है, मिडिल डिस्टेंस, और एक एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी होते हैं, जिसे मैराथन कहा जाता है। मैराथन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस। मैराथन क्या होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस, 1 किलोमीटर में होता है। अदर टाइप्स ऑफ रनिंग रेसेस आर हर्डल्स एंड रिले रेसेस। हर्डल्स मतलब क्या, जब रन करते हैं तो हर्डल होता है, बीच में एक बैरियर होता है, उसके ऊपर से जंप करना होता है, ये हर्डल होता है। रिले का मतलब क्या, ये ग्रुप में पार्टिसिपेट होता है, पार्टिसिपेंट एक नहीं होता, उसके हाथ में रिले होता है, वो जाके दूसरे उसके पार्टनर को देना पड़ता है, फिर वो लेके भागता है, उसको कहते हैं रिले रेसेस। तो ये क्या होता है, ग्रुप के साथ में किया जाता है। एक मलखाम का तुमको इधर ये दिया है, देखो मलखाम, इसको कहते हैं मलखाम गेम, इसको मलखाम गेम कहते हैं। डू यू नो, अकॉर्डिंग टू मनीषा भट्ट, मलखाम एंड इट्स वेरियस टैक्टिक्स वेर डिवाइज बाय बलम भट्ट देवोधर। तो जो ये मलखाम है और इसके जो टैक्टिक्स है, ये किसने डिवाइस किए थे, डिवाइस बाय बलम भट्ट देवोधर, उन्होंने डिवाइस किए थे, द फिजिकल ट्रेनर ऑफ पेशवा बाजीराव टू। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके लो। और बलम भट्ट देवधर कौन थे, फिजिकल ट्रेनर थे, किसके, पेशवा बाजीराव टू के। तो इन्होंने ये गेम को डेवलप किया था। शी ऑल्सो नोट दैट बलम भट्ट वॉज इंस्पायर्ड वॉचिंग मंकीज वाइल दे लिव्ड एंड प्लेड ऑन ट्रीज। और वो बताते हैं कि बलम भट्ट को ये आइडिया कहाँ से आया, इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, कि उन्होंने बंदरों को देखा, इंस्पायर्ड बाय वॉचिंग मंकीज वाइल दे लिव्ड एंड प्लेड ऑन ट्रीज। तो बंदर क्या करते थे, पेड़ पर खेल कूद रहे थे, तो वो देखकर उनको क्या आया कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने कौन सा गेम डिवाइस किया, मलखाम एक गेम डिवाइस किया। शॉटपुट, शॉटपुट क्या होता है, लोहे का गोला होता है एक मेटल का, तो उसको थ्रो करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, उसको कहते हैं शॉटपुट। डिस्कस थ्रो प्लेट होता है, उसको भी लॉन्ग डिस्टेंस पे फेंकना है, कौन कितना डिस्टेंस पे ज्यादा फेंकता है वो जीत जाता है। लॉन्ग जंप सबसे लंबा जंप करना होता है, हाई जंप सबसे हाई जंप करना होता है ऊंचाई ऊंचाई पर हाइट। वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग कॉम्पिटिशन, वाटर पोलो, रोविंग एंड स्पोर्ट्स दैट कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्रोबेटिक्स लाइक मलखम, रोप मलखम, जिमनास्टिक एक्सेट्रा आर ऑल इंक्लूडेड इन द आउटडोर स्पोर्ट्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्किल्स। तो ये सारे क्या है, आउटडोर स्पोर्ट्स है, जो बाहर खेले जाते हैं, बंद कमरे में नहीं खेले जाते। एडवेंचरस गेम्स, आइस स्केटिंग, ये बर्फ पे स्केटिंग करना, स्काइंग, स्काई से ऊपर से डाइव करना, आइस हॉकी, हॉकी आइस में खेलना, एक्सेट्रा आर पॉपुलर गेम्स दैट रिक्वायर बैलेंसिंग स्किल। तो ये जो सारे जो गेम्स है, इसमें क्या होता है, बैलेंस लगता है, इसमें क्या लगता है, बैलेंस लगता है। देयर आर मेनी अदर एडवेंचरस गेम्स विच इंक्लूड रॉक क्लाइंबिंग, जो पहाड़ वगैरह क्लाइंब करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग ये भी एक एडवेंचरस गेम है। ग्लाइडिंग, ग्लाइड करना, यही ऊपर से जंप मारते नीचे से ग्लाइडिंग करते हैं। फिर ऑटो रेसिंग, कार्स, कार रेसिंग होता है, मोटरबाइक रेसिंग होता है, ये सब क्या है, एडवेंचरस गेम्स है।
स्पोर्ट्स कंपटीशन देखेंगे। स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑफ वेरियस टाइप्स इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है स्पोर्ट कंपटीशन, लाइक ओलंपिक। ओलंपिक है वर्ल्ड कंपटीशन, होता है पूरे दुनिया के देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एशियन गेम्स, एशियन गेम्स मतलब सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज है वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल्सो नोन एज एशियाड। पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक्स फॉर डिसेबल्ड पीपल, तो डिसेबल्ड पीपल के लिए भी ओलंपिक्स क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये तुमको फिल इन द ब्लैंक्स में वगैरह आ सकता है, उसको कहते हैं पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक। क्या कहते हैं? पैरालंपिक और सोशल ओलंपिक फॉर डिसेबल्ड पीपल। क्रिकेट वर्ल्ड कप एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये रेगुलर बेसिस पर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑल्सो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फॉर मेनी अदर स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, रेसलिंग, चेस एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज ऑन अ ग्रैंड स्केल। तो हॉकी, रेसलिंग, चेस, इसको भी क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन के बाद में उनको हर हमेशा ऑर्गेनाइज किया जाता है, हेल्ड किया जाता है वर्ल्ड वाइड में भी, या फिर किसी कॉन्टिनेंट में, या फिर किसी कंट्री में, ये क्या होता है, हमेशा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन इंडिया हॉकी एंड क्रिकेट आर वेरी पॉपुलर। तो इंडिया में कौन सा गेम पॉपुलर है आउटडोर में? हॉकी और क्रिकेट, ये बहुत पॉपुलर है। हॉकी इज अवर नेशनल गेम। इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी है। कॉम्पिटिशंस ऑफ ऑल दिस गेम्स आर ऑर्गेनाइज एट लोकल, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो ये जो गेम है ये लोकल लेवल पर भी खेले जाते हैं, सिटी लेवल पर भी खेले जाते हैं, तालुका लेवल पर भी ऑर्गेनाइज और खेले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इवन दो इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको ऑर्गेनाइज भी किया जाता है, खेला भी जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन हु परफॉर्म वेल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हैव गुड करियर प्रोस्पेक्ट्स। तो हम ये सीख रहे क्यों है, स्पोर्ट्समैन भी क्या है, ये एक करियर करके एक प्रोस्पेक्ट देखा जा सकता है। पहले लोग क्या करते, सिर्फ पढ़ाई करो और किधर से नौकरी करो, खत्म हो गया। लेकिन अभी बहुत सारे लोग, हमारे जो यंग जनरेशन है, स्पोर्ट्स पर्सन की तरफ स्पोर्ट्स एज ए करियर भी देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने इधर क्या किया है, अपना करियर बना चुके हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी, अगर हम एजुकेशन लेके स्पोर्ट्स में भी अगर करियर बना सकते हैं तो इसमें भी करियर बना सकते हैं। क्योंकि देखो हर एक इंसान का एक क्वालिटी होता है, हर एक इंसान का एक क्वालिटी होता है, तो वो इंसान को अपनी क्वालिटी पहचानना चाहिए और उस फील्ड में वो उतरना चाहिए। आगे एक इन्फॉर्मेशन दिया, डू यू नो मेजर ध्यानचंद एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ हॉकी वॉज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। तो मेजर ध्यानचंद जी क्या थे, ये हॉकी के बहुत जाने माने प्लेयर है और ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी थे। इंडियन हॉकी टीम वन अ गोल्ड मेडल इन 1936 एट बर्लिन ओलंपिक्स अंडर हिज कैप्टनसी। तो इंडिया को आजादी मिलने से पहला इंडियन हॉकी टीम को गोल्ड मेडल मिल गया था, कभी 1936 में, और किधर, एट बर्लिन, बर्लिन ओलंपिक्स अंडर हिज कैप्टनसी, और कैप्टन कौन थे, मेजर ध्यानचंद। ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रीवियस इंडियन हॉकी टीम्स इन 1928 एंड 1932 व्हिच प्लेड एट ओलंपिक्स एंड वन गोल्ड मेडल। तो ये क्या थे, 1928 और 1932 में भी इंडियन हॉकी टीम के हिस्सा थे लेकिन कैप्टन नहीं थे तभी, और तभी भी गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने, जीता था। 29th August, the birthday of Dhyanchand is celebrated as the National Sports Day in India. इसको भी अंडरलाइन करके लो, इंडिया में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है वो कभी मनाया जाता है, 29th August को। क्यों? इस दिन ध्यानचंद, इनका जन्मदिन है, ये पैदा हुए थे तो इसीलिए उनके याद में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। He was known as the wizard of hockey. तो इनको हॉकी का विजार्ड भी कहा जाता था, ये भी अंडरलाइन करके लो। He was honored with a Padma Bhushan in 1956. इसको भी अंडरलाइन करके लो। ध्यानचंद जी को हॉनर किया गया था, सम्मान किया गया था, कौन से अवार्ड से, पद्म भूषण से, और एक अभी 1956 में। अब देखेंगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन द 21st सेंचुरी वॉज नेचुरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, कि पूरी दुनिया नजदीक आना, एक नजदीक आना। अभी देखो ये इंटरनेट का जमाना है, कम्युनिकेशन का जमाना है, तो आज दुनिया क्या है, बहुत नजदीक आ गई। जैसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है तो दुनिया बहुत नजदीक आ गई। हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट की दुनिया में क्या है, चंद घंटों में जा सकते हैं। पहले हफ्तों, महीनों, कितने तो साल लगते थे, लेकिन अभी चंद घंटों में हम कर सकते हैं, एक दुनिया से दूसरे पार्ट में जा सकते हैं दुनिया के, और हम बात भी कर सकते हैं बहुत जल्दी। द इंटरनेशनल मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस कैन बी वॉच्ड ऑन टेलीविजन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अगर समझो अभी देखो
अगर हमको मैच देखना है तो इंटरनेशनल मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स, अभी देखते हैं कि आप क्रिकेट चालू है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चालू है, ऑस्ट्रेलिया में चलो, लेकिन हम इंडिया में बैठकर वो मैच देख सकते हैं, फुटबॉल का मैच देख सकते हैं, लॉन टेनिस देख सकते हैं, कैन बी वॉच्ड ऑन टेलीविजन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ भी बैठ सकर कर कौन से भी दुनिया के कोने में बैठकर हम टेलीविजन पर ये सब कुछ देख सकते हैं। ये क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। द सिटीजन्स ऑफ द नॉन पार्टिसिपेंट कंट्रीज कैन ऑल्सो एंजॉय दिस मैचेस। तो ये मैचेस को सिर्फ जो कंट्री है, जो कंट्री खेल रही है, वही लोग एंजॉय नहीं करते, दूसरे लोग भी क्या करते हैं, इन मैचेस को देखकर क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसे फुटबॉल के मैच को हम भी देखते हैं, वर्ल्ड कप होता है तो इंडियन लोग भी एंजॉय करते हैं, अगर इंडिया की टीम नहीं हो तो भी हम क्या करते हैं, मैचेस देखकर एंजॉय करते हैं। फॉर इंस्टेंस द वर्ल्ड कप विनिंग मैच प्लेड बाय इंडियन क्रिकेटर्स वाज वॉच्ड बाय क्रिकेट फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, द वर्ल्ड कप विनिंग मैच, जो वर्ल्ड कप विनिंग मैच था प्लेड बाय इंडियन क्रिकेटर्स वाज वॉच्ड बाय क्रिकेट फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे दुनिया के लोग क्रिकेट फैंस देख रहे थे। स्पोर्ट्स फैंस स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी। तो जो स्पोर्ट्स के फैन होते हैं, जो दीवाने होते हैं, दीवाने मतलब पागल नहीं, दीवाने मतलब कि जिनको अच्छा लगता है, ये क्या पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, स्कैटर्ड है, हैव सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी। और इसके वजह से स्पोर्ट्स इकोनॉमी पर क्या हुआ है, एक इफेक्ट हुआ है, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट इफेक्ट हुआ है। फैंस वॉच द मैचेस फॉर एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज लुक एट इट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज देयर वेयर। तो जो फैंस होते हैं वो लोग क्यों देखते हैं मैच, एक इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन जो कंपनीज होते हैं, कमर्शियल कंपनीज जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, मार्केट करना चाहती है, क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं। समझो टीवी पे चालू है तो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है, मैच के बीच में जब ब्रेक होता है तभी आता है, या फिर एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन क्या करता है उसके बारे में ऐड करता है प्रोडक्ट के बारे में, या फिर स्पोर्ट्समैन अपने टी शर्ट पर वगैरह वो क्या करता है, ऐड लगाता है या फिर बैट पे लगाता है। तो रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एज कॉमेंटेटर्स। तो बहुत सारे क्रिकेट में देखेंगे कि बहुत सारे जो प्लेयर्स रिटायर्ड हुए हैं, जैसे वीवीएस लक्ष्मण है, अनिल कुंबले है, तो बहुत सारे अलग अलग ये है, मतलब रिकी पॉन्टिंग है, माइकल क्लार्क, ये क्रिकेटर्स है, ये क्या है, कमेंटेटर्स करके भी क्या करते हैं, कमेंट्री देते हैं। तो ये रिटायर्ड हो गए फिर भी क्या करते हैं, कमेंट्री देते हैं। अब देखेंगे 7.4, गेम मटेरियल्स एंड टॉयज। द मीन्स एंड इक्विपमेंट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड टॉयज। तो टॉयज किसको कहते हैं, देखो, द मीन्स एंड इक्विपमेंट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड टॉयज। इसको अंडरलाइन करके लो, आ सकता है कि व्हाट आर कॉल्ड टॉयज। तो टॉयज का मतलब है द मींस एंड इक्विपमेंट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। तो एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड टॉयज। क्ले टॉयज हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस। तो जो क्ले टॉयज है, मिट्टी से जो खिलौने बनाते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस, आर्कियोलॉजिकल मतलब क्या, जो जमीन जब खोदते हैं तो उसमें बहुत पाए गए हैं क्ले टॉयज। दीज टॉयज वेयर फैशन्ड आइदर बाय हैंड्स और बाय यूजिंग मोल्ड्स। तो ये जो टॉयज बनाए गए थे, कैसे बनाए थे, आइदर बाय हैंड, तो हाथ से इनको शेप दिया गया था, या फिर मोल्ड, मोल्ड का मतलब सांचा, एक सांचा होता है तो सांचे में ढालकर, लिक्विड अगर कुछ डालकर उसको बनाया जाता है, ऐसे बनाए जाते थे। डॉल्स आर मेंशन इन द एंशंट इंडियन लिटरेचर। जो पुतला पुतला होता है तो उनका जिक्र है, किसमें जिक्र है, इन द एंशंट इंडियन लिटरेचर में इसका जिक्र है। अ संस्कृत प्ले बाय शूद्रक इज नेम एज मृच चकतिका। तो देखो एक संस्कृत प्ले है बाय शूद्रक, शूद्रक एक शख्स का नाम है, वो संस्कृत प्ले का नाम क्या है, मृच चकतिका, ये संस्कृत का प्ले का नाम है। इट मीन्स अ क्ले कार्ट, और इसका मतलब क्या है, क्ले कार्ट। क्ले कार्ट का मतलब क्या, जो बैलगाड़ी होते हैं कार्ट पीछे जो होता है उसको बोलते हैं कार्ट, क्ले का मतलब मिट्टी का कार्ट, उसका मतलब वो है। और आगे एक इंफॉर्मेशन दिया है, डू यू नो कथासारित सागर हैज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गेम्स एंड टॉयज। क्या है, कथासारित सागर हैज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गेम्स एंड टॉयज। देयर आर डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लाइंग डॉल। तो उसमें जो ये है कथासारित सागर जो किताब है, लिटरेचर है, उसमें गेम्स और टॉयज का भी ये है डिस्क्रिप्शन दिया है, और फ्लाइंग डॉल्स का भी उसमें डिस्क्रिप्शन है। इट मेंशंस दैट ऑन प्रेसिंग अ की सम डॉल्स यूज टू फ्लाई। और इसमें लिखा है कि कौन सा एक बटन दबाने से, की दबाने से क्या होते थे, डॉल्स क्या होते थे, उड़ने लगते थे। सम यूज टू डांस, और थोड़े डांस करते थे, एंड सम यूज टू मेक साउंड, और थोड़े क्या करते थे, आवाज करते थे। ये वो किताब में
वो लिटरेचर में लिखा है। आगे बताया है टॉयज एंड हिस्ट्री 7.5 देखेंगे। टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो टॉयज है, खिलौने हैं, ये क्या करते हैं, जो हिस्ट्री है हमारे इतिहास पर क्या डालते हैं, रोशनी डालते हैं हमारे, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और टेक्नोलॉजी क्या थी, देखो एक मिसाल के तौर पे आज के जमाने के जो टॉयज है कैसे है, पूरे सेल पे है, इलेक्ट्रिसिटी पे है, बहुत सारे लोग वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी दर्शाता है। पहले थे क्या, पहले के टॉयज ऐसे थे जो वीडियो गेम जिस पे सेल पे वगैरह चलते थे, उस जमाने में सेल वगैरह भी नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो उस जमाने के टॉयज अलग थे, आज के जमाने के टॉयज अलग है। हो सकता है कि आने वाले आगे के 100 सालों में, 50 सालों में टॉयज अलग होंगे। तो ये क्या दिखाता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी दर्शाता है और हिस्ट्री के ऊपर रोशनी डालता है। वी कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन थ्रू देम। तो इसकी वजह से हमको रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन का भी पता चलता है, इस पे रोशनी डालते हैं। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशंस इन महाराष्ट्र मॉडल फोर्ट्स आर मेड। तो दिवाली के मौके पर महाराष्ट्र में क्या किया जाता है, किला जो फोर्ट्स है, मिट्टी के फोर्ट्स वगैरह बहुत सारे लोग क्या करते हैं दिवाली के मौके पे बनाते हैं। क्ले इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स एंड ऑल्सो पीपल एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड ऑन दिस मॉडल फोर्ट्स। और ये जो फोर्ट होता है, मॉडल फोर्ट होता है, इसपे शिवाजी महाराज उनकी इमेज लगाया जाता है, फिर बाकी सैनिकों की इमेज लगाई जाते हैं, और जानवरों के भी एंड पीपल और एनिमल्स के भी मॉडल पुतले वगैरह क्या करते हैं, लगाए जाते हैं। दिस ट्रेडिशन कीप्स द मेमोरी अलाइव ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फोर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। तो इसके वजह से हमारे जो याददाश्त है, मेमोरी को अलाइव करता है, मतलब हमेशा जिंदा रखता है कि जो फोर्ट्स जो है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्या किया है, रोल प्ले किया है किसमें, इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। एन आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन वाज फाउंड इन द एग्जीबिशन ऑफ पोम्पाई एंड एंशिएंट इन इटली। तो एक आइवरी डॉल, आइवरी किसको कहते हैं, जो हाथी के सिंह होते हैं ना, उसको कहते हैं आइवरी। उससे एक क्या बनाया था, डॉल बनाया था, और किसने बनाया था, इंडियन क्राफ्ट्समैन ने बनाया था। वाज फाउंड इन द एग्जीबिशन ऑफ पोम्पाई, जो पोम्पाई सिटी है, एंशियंट सिटी है इटली में, उधर जमीन में जब खुदाई की गई थी वहां मिला था। इट इज डेटेड टू द फर्स्ट सेंचुरी सी, और इसकी तारीख क्या है, फर्स्ट सेंचुरी सी, मतलब उतने साल पुराने है वो सी का। दिस आर्टिफैक्ट थ्रोज लाइट ऑन द इंडो रोमन ट्रेड रिलेशन। तो देखो ये बनाया था किसने था, इंडियन आदमी ने बनाया था, इंडियन मतलब स्टाइल पे पता चलता है कि किसने बनाया था, लेकिन ये पाया किधर गया, इटली में पाया गया। इसका मतलब क्या है कि पुराने जमाने में इंडिया और इटली में भी क्या थे, ट्रेड रिलेशंस, ने तो अलग अलग रिलेशंस थे, इसके लिए यहाँ की जो ये है चीज है उधर पाई गई। द टॉयज फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन कैन टेल अस अबाउट कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन नेशंस इन एंशियंट टाइम। तो इसको हमको ये भी पता चलता है आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन से कि टॉयज से पता चलता है कि कल्चरल कॉन्टैक्ट भी अलग अलग देशों में पहले पाए जाते थे। अब देखेंगे 7.6 स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट। तो स्पोर्ट पे लिटरेचर पर क्या क्या मूवीज बनी हुई है। पब्लिशिंग ऑफ बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ स्पोर्ट्स इज अ न्यूली डेवलपिंग एंटरप्राइज। तो ये अभी नया नया डेवलप हो रहा है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे वगैरह बुक पब्लिश कर रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ मलाकाम हैज बीन रिसेंटली पब्लिश्ड। तो मलाकाम की हिस्ट्री क्या है, ये बुक क्या हुई है, पब्लिश हुई है। There is an encyclopedia on the subject of exercise. So exercise for encyclopedia. Encyclopedia मतलब क्या? बहुत बड़े volumes of books. Some years ago, there was a sports magazine named Shatkar. तो sports magazine भी था जिसका नाम पर जो sports पे है सिर्फ Shatkar वो भी है। There is ample literature available in English on sports. तो English में बहुत सारा ample मतलब बहुत सारा literature available है जो sports पे लिखी गई है। Some television channels are exclusively devoted towards sports. आज हम देखते हैं स्टार स्पोर्ट्स है, अलग अलग चैनल्स है, स्टार स्पोर्ट्स बहुत बहुत अलग अलग चैनल्स भी हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स दिखाते हैं, स्पेशली डिवोटेड टू स्पोर्ट्स। रिसेंटली सम मूवीज ऑन स्पोर्ट्स एंड बायोग्राफी ऑफ प्लेयर्स हैव बीन रिलीज्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस। तो नजदीक रिसेंटली तो स्पोर्ट्स पे मूवीज भी बनाई गई है और प्लेयर्स की बायोग्राफी पर भी मूवीज बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल द फिल्म मेरी कॉम है, ये भी फिल्म किसके पर है, मेरी कॉम कौन है, बॉक्सर है, उनके पर फिल्म बनाई गई। दंगल है, स्पोर्ट्स के ऊपर है, जो है फोगाट सिस्टर्स जो है उनकी भी फिल्म बनाई गई।
फिर मेरी कॉम और धोनी पर भी फिल्म बनाई गई है। मेरी कॉम इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स एंड टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल। तो मेरी कॉम कौन है, इसको अंडरलाइन करके लो। मेरी कॉम इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे पहली फीमेल महिला बॉक्सर है और उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला एंड विन अ ब्रॉन्ज मेडल। दंगल इज बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ फोगाट सिस्टर्स हु वर द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर्स। तो बॉक्सिंग अलग है, रेसलिंग अलग है। तो फोगाट दंगल पिक्चर ये है, ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ फोगाट सिस्टर्स हु वर द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर्स टू विन गोल्ड मेडल्स एट वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। तो ये पहले फीमेल रेसलर्स थे जिनको गोल्ड मेडल मिला था एट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी रिक्वायर्स डीप स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द मूवीज स्टोरी। तो अगर हमको फिल्म अगर बनाना है, तो अगर जिसमें फिल्म बनाना है तो उसका जो पीरियड है, जो वक्त है, उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज क्या बात करते थे, कैसे बात करते थे, लैंग्वेज कैसे थे, वो जानना जरूरी है। ड्रेसिंग स्टाइल, उनके कपड़े पहनने का तरीका कैसा, सोशल लाइफ और रहते थे कैसा, ये सब जानना जरूरी है। ऑफ दैट पीरियड, उस वक्त में क्या था, इसका मतलब हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर वेल ट्रेंड, तो जो स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री है आर वेल ट्रेंड टू डू रिसर्च ऑफ दिस काइंड। तो जिसको हिस्ट्री पता है, इतिहास पता है, वही क्या कर सकता है, ये डिटेल्स वगैरह उसके पास हो सकती है। और स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री को ये ट्रेन किया जाता है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन वेरियस पब्लिकेशन लाइक एनसाइक्लोपीडिया, न्यूज पेपर, स्पोर्ट्स मैगजीन एक्सेट्रा। तो हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की नॉलेज होना भी जरूरी है। क्यों, आर्टिकल्स लिखने के लिए, वेरियस पब्लिकेशन में लाइक एनसाइक्लोपीडिया लिखना है, एक किताब लिखना है, न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल लिखना है, स्पोर्ट्स मैगजीन लिखना है, तो उस स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं लिख सकता। 7.7 पॉइंट देखेंगे, स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो स्पोर्ट्स में और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज में एज अ स्टूडेंट हमको इसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर स्पोर्ट्स का हमारे पास नॉलेज है, हिस्ट्री का नॉलेज है, तो हमको क्या इसका फायदा हो सकता है वो देखेंगे। ऑल दो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री अपीयर्स टू बी डिस्टेंट एज सब्जेक्ट, अगर हम देखेंगे तो स्पोर्ट्स और हिस्ट्री में दूर दूर तक कनेक्शन ऐसा नहीं लगता देखने पर, बट देर इज अ क्लोज टाई बिटवीन देम। लेकिन उनके बीच में क्या है, नजदीक का एक रिश्ता है। स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। जो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है, इनको अलग अलग प्रकार के क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, किसमें, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म होते हैं, इसमें इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वन नीड्स टू रिसोर्ट टू हिस्ट्री इन ऑर्डर टू राइट आर्टिकल। तो अगर समझो एक जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उसको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री देखना पड़ेगा, किसकी, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री देखना पड़ेगा। टू राइट आर्टिकल, रिव्यू, रिव्यू करना है, समझो किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, किसने रिकॉर्ड तोड़ा, तो ये भी पहला जानना जरूरी है कि इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था और ये रिकॉर्ड क्या है, नहीं तो ये नेशनल लेवल का रिकॉर्ड है या इंटरनेशनल लेवल का रिकॉर्ड है। तो इसके लिए इसका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे अगर एक रिव्यू लिखना है, लाइक ओलंपिक पर रिव्यू लिखना है, या फिर एशियाड गेम्स पर रिव्यू लिखना है, या फिर नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस पर रिव्यू लिखना है, तो उस स्पोर्ट्स की हिस्ट्री जानना जरूरी है। एक्सपर्ट कॉमेंटेटर्स आर इन डिमांड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स मैचेस। जो जो अभी एग्जाम्पल लोग क्रिकेट मैचेस जब होते हैं, जो एक्सपर्ट कॉमेंटेटर्स होते हैं, इनको पूरा हिस्ट्री पता होता है कि किस वक्त किसने क्या रिकॉर्ड किया था, क्या रिकॉर्ड तोड़ा था, कितने का रिकॉर्ड है, कितने का रिकॉर्ड नहीं है, कौन से देश में इन्होंने रिकॉर्ड किया था, कितने उम्र में रिकॉर्ड किया था, इनको पूरी हिस्ट्री पता होती है। तो ऐसे ही लोगों को क्या करते हैं, कॉमेंटेटर्स करके लेते हैं, क्योंकि इनको हिस्ट्री पता होती है, ये एक एक्सपर्ट होते हैं। तो जिसको एक्सपर्ट हिस्ट्री का नॉलेज है, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री का नॉलेज है, तो ये कॉमेंटेटर्स करके भी काम पे ये लग जाते हैं। जैसे हर्षा भोगले है, ये बहुत अच्छे कॉमेंटेटर है, इनको बहुत डीप नॉलेज है, तो इनको ज्यादातर क्या करते हैं, हर्षा भोगले बहुत सालों से कॉमेंट्री करते हैं। एन एक्सपर्ट कॉमेंटेटर नीड्स टू हैव गुड नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री। जो एक्सपर्ट कॉमेंटेटर है, तो उसको क्या होना चाहिए, उसके पास नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री होना चाहिए, स्पोर्ट्स की स्टेटिस्टिक्स, फैक्ट्स ऑफ फिगर वो होना चाहिए, प्रीवियस रिकॉर्ड, पहले का रिकॉर्ड क्या है, अगर नया रिकॉर्ड है तो पहले का रिकॉर्ड क्या है, एमिनेंट प्लेयर्स, तो इस पार्ट में एमिनेंट प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन कौन है, हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स, हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स पता चाहिए, एग्जाम्पल रिलेटेड टू द कंसर्न गेम, तो कंसर्न गेम के बारे में सब कुछ उनको पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल फॉर देम, तो हिस्ट्री ऑफ नॉलेज इनके लिए क्या है, यूजफुल है। अगर नहीं तो अगर किसी को नॉलेज नहीं है, अगर उसको कॉमेंट्री देने के लिए बता देंगे,
तो कुछ नहीं बता सकता हिस्ट्री के बारे में, सिर्फ क्या बोलेगा कि हाँ एक रन निकाले, दो रन निकाले, बॉल फेंका, खत्म, ओवर खत्म हो गया, यही बता सकता है। हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बता सकता, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता दे सकता। तो देखो, मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस एक्सेट्रा आर शोन लाइव ऑन टेलीविजन ऑन वेरियस चैनल। तो ये बहुत सारे जो स्पोर्ट्स है लाइव दिखाए जाते हैं टेलीविजन पर। द रोल ऑफ प्रोफेशनल्स हु ट्रैक एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ दिस टेलीकास्ट फ्रॉम वेरियस चैनल्स हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो जो प्रोफेशनल्स है वो इसको क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं और ये टेलीकास्ट के, ये फ्रॉम वेरियस चैनल्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दिन ब दिन क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं आजकल। द स्पोर्ट्स चैनल कंटिन्यू टेलीकास्टिंग राउंड द क्लॉक। अगर हम स्पोर्ट्स चैनल निकालते हैं तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, स्पोर्ट्स के बारे में ही लगा होता है। देर आर मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दिस फील्ड। तो स्पोर्ट्स में बहुत क्या है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और स्पोर्ट्स में क्या है, आदमी क्या होता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी भी मिलती है, अगर पैसे देखने के तो एडवर्टाइजमेंट पर से भी वो बहुत पैसे क्या करता है, कमाता है। अगर वो अच्छा स्पोर्ट्समैन है, वो स्किल्ड है, तो उसमें अच्छा पैसा कमा लेता है स्पोर्ट्समैन में भी। लेकिन क्या होना चाहिए, पूरा लगन से काम करना चाहिए, अगर वो उसमें माहिर होगा तो उसको फायदा होगा। रेफरीज आर एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैचेस। अब हम देखिए रेफरीज, तो रेफरीज भी लगते हैं। रेफरीज क्या करते हैं कि ये जो गेम होता है इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको रूल्स वगैरह पूरे पता होते हैं, और ये क्या करते हैं कि बायस नहीं होते, मतलब क्या करते हैं, इंसाफ करते हैं। दो टीम के बीच में अगर मैच हो रहा है तो ये बराबर क्या करते हैं, इंसाफ करते हैं। जैसे अभी क्रिकेट है, क्रिकेट में क्या होता है, अंपायर होता है, व्हाइट बॉल होगा तो व्हाइट देगा, आउट होगा तो आउट देता है। तो ये क्या करते हैं, बायस्ड नहीं होते, और ये गेम को क्या करते हैं, रूल्स एंड लॉस को फॉलो करके बराबर मेंटेन करते हैं। तो रेफरीज का भी बहुत क्या है, डिमांड में है। तो रेफरीज आर एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैचेस। ट्रेंड रेफरीज आर रिक्वायर्ड टू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो ट्रेंड रेफरीज होते हैं, इनके एग्जामिनेशन होते हैं, तो उनको एग्जाम पास करनी पड़ती है। क्वालिफाइड रेफरीज कैन वर्क एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो जो क्वालिफाइड रेफरीज होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या करते हैं, काम करते हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर ट्राइंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ये हमेशा दिन ब दिन क्या करती है, स्पोर्ट्स को प्रोमोट करती रहती है, हमेशा स्पोर्ट्स को प्रोमोट क्या करते हैं, करते रहते हैं। देयर आर स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड टू स्पोर्ट्स पर्सन। और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको भी क्या होते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती है, एजुकेशन में फीस में कंसेशन वगैरह भी मिलती है। देयर आर रिजर्व सीट्स फॉर देम इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, क्वालिफाइड स्पोर्ट्समैन, ऐसे नहीं कि घर कहाँ तो गली में कहाँ तो खेल रहे हैं, ऐसे नहीं, क्वालिफाइड स्पोर्ट्समैन हो तो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्समैन हो तो उनके रिजर्वेशन भी होते हैं। देयर आर रिजर्व सीट्स फॉर देम इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। उनको एक रिजर्व क्या होते हैं, सीट्स होती है। एक इन्फॉर्मेशन दी है, डू यू नो बाल जे पंडित वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायोनियर क्रिकेट कमेंट्री। तो जो बाल जे पंडित है, इसको मैं अंडरलाइन करके दे लो, ये सबसे पहले क्या थे, इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने क्या की, क्रिकेट कमेंट्री देना शुरू की। बाल जे पंडित ये इंडियन क्रिकेटर थे। पीपल यूज टू लिसन वेरी ईगरली टू हिज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी। और ये कहाँ करते थे कॉमेंट्री, आकाशवाणी पे, ये क्या करते थे, आकाशवाणी पे देते थे। हमने भी सुना है, वो पहले तो के जमाने में क्या होता था, टीवी वगैरह नहीं थे, तो रेडियो लगा कर रेडियो में लाइव जो मैचेस चालू उसके क्या आता था, कमेंट्री आता था, तो बहुत सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता था। तो पीपल यूज टू लिसन वेरी ईगरली टू हिज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी। हिज वेल स्टडीड कॉमेंट्रीज वेयर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। और इनकी जो कॉमेंट्री ऐसे वैसे नहीं थी, सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं वेल स्टडीड, ये क्या करते थे, पूरे तैयारी के साथ इनको पूरा डिटेल पता होता था। तो हिज वेल स्टडीड कॉमेंट्रीज वेयर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें इंफॉर्मेशन पाई जाती मिलती थी हमको। अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द प्ले ग्राउंड, वो जो प्ले ग्राउंड है यहाँ, इसके पहले कितने मैचेस हुए, तो कितने कितने मैचेस हुए, कितने लोग खेल ले, कितने लोग जीते, पहला टीम करने वाले कितने बार मैच जीते, दूसरे बैटिंग करने वाले कितने बार जीते, कितने बार हारे, पूरा। और पिच कैसे बिहेव करता है, 50 ओवर के बाद में कैसे बिहेव करेगा, 30 ओवर के बाद में कैसे बिहेव करेगा, ये पूरा हिस्ट्री इनको पता होती थी। करियर हिस्ट्री ऑफ द प्लेयर्स, इसके साथ साथ जो हिस्ट्री प्लेयर्स है जो क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी भी हिस्ट्री इनको पता होती थी। एनेक्डोट्स अबाउट द गेम, ये भी पता होती थी। एंड एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द गेम, और जो गेम्स के रिकॉर्ड्स है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, नहीं तो नेशनल रिकॉर्ड किया, नहीं तो ये ग्राउंड पे कितने का रिकॉर्ड है, ये भी इनको सब पता होते थे। हिज कॉमेंट्रीज यूज टू बी एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल डिटेल। तो इनकी जो कॉमेंट्री है इंटरटेनिंग होती थी। क्यों इंटरटेनिंग होती थी, क्योंकि ये सिर्फ कॉमेंट्री नहीं करते थे, इनके पास ये पूरे डिटेल्स भी थे। ये पूरे डिटेल्स क्या करते थे,
इंफॉर्मेशन के साथ जो खेल चल रहा है उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन भी दिया करते थे। तो इसके लिए ये जो कमेंट्री थी बहुत इंटरटेनिंग थी और सुनने के लिए बहुत मजा आता था।